रिलेशनशिप में एक छोटी सी गलती भी आपसे क्या क्या करवा सकती है इसका अनुमान आप कभी नहीं लगा सकते। आज ही हमारे एक व्यूअर से बात हुई थी, हालांकि वो एक मैरिड पर्सन है, अपनी लाइफ में नॉर्मल थे, एकदम तराश थे, अपनी लाइफ में खुश थे, पर वैसे ही कोई लड़की उसकी लाइफ में आए, वो भाई साहब टाइम पास करना चाहते थे। एंड यहाँ पर चीज़ें क्या हुई कि स्टार्टिंग में उस लड़की को खुश करने के लिए कि भाई मैं एक मैरिड इंसान हूँ, मैं एक एक्सपीरियंस मर्द हूँ, तो उस लड़की को खुश करने के लिए गिफ्ट देते गए, टाइम देते गए। अब धीरे 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 ना उस हिसाब से वो अपनी लाइफ में से जो टाइम उसको अपनी वाइफ में या अपने बच्चों में स्पेंड करना चाहे वो गर्लफ्रेंड में करने लगे। तो अब ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट कभी दिखता ही नहीं कि हम उनको टाइम देते, उनको गिफ्ट खरीदते देते, ऐसी चीज़ें माइंड नहीं करते। पर क्या हुआ कि वो बंदा ऐसा कर रहा था, पर रिटर्न में से कुछ टाइम के बाद उस लड़की की ओर से जो उनको मिलना चाहे वो कुछ भी हो सकता है, उस लड़की का टाइम, प्यार या केयर, जो भी उनकी उम्मीदें होगी वो मिलना बंद हो गया या कम हो गया। तो इस भाई ने ना उस लड़के को अपने कंट्रोल में करने के लिए या उनसे वो सारी चीज़ें लेने के लिए और मेहनत की। अब धीरे धीरे क्या किया कि अपने काम पे टाइम पे भी उस लड़की को टाइम देने लगे, अपने काम को ख़राब करने लगे, ठीक है, जो चीज़ें अपनी वाइफ के लिए करनी चाहिए वो सारी चीज़ें उस लड़की के लिए करने लगे। उस भाई साहब ने स्पेशली मुझे सब कुछ चीज़ें बताई और उसने कहा कि मेरे जैसे बहुत सारे मैरिड लड़के होते हैं जो ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे चीज़ क्या हो रही है, अगर आप देखो ना, तो कोई भी बंदा अपना टाइम, पैसा, इमोशन किसी के ऊपर लगा रहा है एंड वहाँ पे उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। अब ये भाई साहब क्या करता है कि अपनी सारी चीज़ें ना अपनी लाइफ को सेक्रीफाइड करने लगे उस लड़की के लिए, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको वही गलती नहीं करनी है। अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को, अपनी जो पहले से प्रायोरिटी वाली चीज़ है, वो आपके फैमिली हो सकते हैं, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, उनको आपको सेटिस्फाइड नहीं करना है दोस्तों। एंड मैंने देखा है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले बहुत थोड़ी मेहनत करते हैं, तब उनको लगता है कि हम टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला उनसे मेहनत करवाते जाता है फिर रिस्पॉन्स नहीं देता, तो ये ना दुगना जोर लगाने लगते हैं। तो आपको ध्यान यही रखना है कि भाई आप उनको टाइम दे रहे हो, अपना इमोशन दे रहे हो, आपके होप्स है, शायद आपका विश्वास भी है, अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है तो उनको वो आपको चाहिए ही चाहिए ऐसा सोच कर उनके पीछे पागल मत हो जाओ, फिर उनके पीछे अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करने मत भाग जाओ, ठीक है, कि ये तो होना ही चाहिए, अब मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। लाइफ में हमेशा ध्यान रखो यार, ये तुम्हारा रिलेशन बनता है तो सही चीज़ है एंड आपको भी उतना ही करना चाहिए ना जितना आपका पार्टनर आपके लिए कर रहा है, भले आप कुछ अलग फॉर्म में कर रहे हो वो कुछ अलग फॉर्म में कर रहा है, लेकिन उनका भी होना चाहिए ना, कि ऐसा नहीं कि भाई आप ना उनका प्यार पाने के लिए, उनको पाने के लिए, उनको वश में या कंट्रोल करने के लिए अपनी सारी चीज़ें उनके ऊपर लगा रहे हो, ठीक है, अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो, अपने करियर को ख़राब कर रहे हो, अपने और रिश्तों को तुम ख़राब कर रहे हो, उनके लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करते जा रहे हो। तो अब वो भाई साहब ये जानते हैं, ठीक है, कि यहाँ से अगर उस लड़की ने मुझे प्यार दे दिया तो इससे क्या हो जाएगा, जल्द वो कहता है कि मेरा ईगो शांत हो जाएगा और मैं बहुत आराम से उस लड़की को भूल पाऊंगा, पर ना अब मैं हार मानना नहीं चाहता, अब मेरा ईगो हर्ट हो गया, वो कहता है कि मैं और जोर लगाने की कोशिश करता हूँ, मैं अपना काम पे फोकस नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, मेरा कहीं मन नहीं लगता, ठीक है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मेरे करीब आता है तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, उनके ऊपर गुस्सा करने लगता हूँ। एंड ऐसा ही होता है जब आप एक चीज में, आप एक रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तो उनके कारण आपके जो दूसरे रिलेशन होते हैं तीन लोगों के साथ भी, अपने लोगों के साथ, वहाँ भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि इस तरह से अपने पार्टनर के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाई करते नहीं जाना है। ब्रेकअप के बाद ज़्यादातर चीज़ें ये देखी गई है कि जिन लोगों ने अपने पार्टनर के लिए अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हद तक सेक्रीफाइड किया होता है, वो लोग बहुत मुश्किल से अपने उस रिलेशन से, अपने उस ब्रेकअप से उभर पाते हैं, यानी कि उन चीज़ों को भूल पाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया, यानी कि उन्होंने जितना लगाया उतना उनके पार्टनर से एफर्ट लिया भी होता है, उन लोगों को एक तसल्ली होती है कि नहीं उसने भी एफर्ट लगाया, उनका ईगो हर्ट नहीं होता, इसलिए वो आसानी से भूल भी सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है कि हमेशा आपको अपने पार्टनर की बातों में आकर उनकी बातों को मानते जाना और अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते जाना,
जस्ट उनको कंट्रोल करने के लिए, जस्ट उसका प्यार पाने के लिए। अगर आप इस गेम में फंस गए तो आप उलझते जाओगे और यहाँ से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल और होता जाएगा। दोस्तों अगर आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा टफ प्रॉब्लम्स है और आप हमारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट लव टिप्स हिंदी पर विजिट करिए और उनके साथ अपनी फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ पर्सनली इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।